सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा सारिआं दा मेरे इस यूट्यूब चैनल दे विच। अज असीं ढिआऊ दा अचार बनावांगे। इह देखण नूं तां बड़े अजीब जिहे हुंदे ने, पर अंब दी तरह खट्टे हुंदे ने। इह अंब दे अचार दी तरह ही इहनां दा अचार बनदा। सो मैं इह 1 किलो लए ने। सब तों पहलां असीं इहनां नूं धो लिआ, चंगी तरह धो के सुका लिआ, ते हुण मैं इहनां नूं कट्टूंगी। मैं कट के दसदी हाँ वी किद्दां कट्टणा। कट्टण च भी यह बहुत सख्त हुंदा। इनू कट्टण तो पहला तुसीं हत्थां नूं तेल ला लेना, क्योंकि इहदे विच ना बहुत एक चिपचिपा जिहा पदार्थ हुंदा, फिर तुहाडे हत्थां नूं नहीं लगेगा वह। तो इहदा जिहड़ा ये वाला पोर्शन है इहनूं कट्ट दिंदे आ। तो हुण तुसीं जिन्ने भी पीस छोटे बड़े रखने उहनां नूं रख लो। ये थोड़ा सख्त है, वैसे चॉपिंग बोर्ड ते भी तुसीं इहनूं कट सकदे हो। इस तरीके नाल ही असीं सारे कट के तैयार कर लाँगे। ढिओ दे अचार लई आपां मसाले बना के तैयार कर लैंदे आ। ये मैं 1 टेबल स्पून आ देखो, टेबल स्पून 1 टेबल स्पून सरों का लिया। ये मैं काली सरों ली है, पीली भी लै सकदे हो। तो 1 टेबल स्पून सुक्का धनिया लिया, 1 टेबल स्पून ही मेथे लए ने, ते 2 टेबल स्पून मैं सौंफ ली है। 2 टेबल स्पून सौंफ ली है। सौंफ का जिहड़ा टेस्ट हुंदा बहुत वधिया हुंदा, इसलिए मैं ज़्यादा ली है। ये तो ये जिहड़ा 1.25 टेबल स्पून है वह मैं कलौंजी का लिया। इनू कलौंजी नूं आपां ने पीसना नहीं हैगा, इनू साइड ते रखांगे। तो इनू मैं थोड़ा जिहा गर्म करके पैन रख लिया, गैस ते गर्म हो गया पैन। तो आपां इन्हां नूं थोड़ा जिहा ड्राई रोस्ट कर लाँगे, इसलिए तां कि इहदी थोड़ी नमी निकल जाए। फिर इन्हां नूं आपां दरड़ा जिहा पीस लाँगे। बस इनू आपां ने थोड़े जे 1 मिनट लई ड्राई रोस्ट कर लिया, ज़्यादा नहीं करना भी जल जाण। तो हुण आपां इनू ठंडे कर लाँगे, ठंडे करके फिर मिक्सी जार दे विच पीस लाँगे। ढिओ असीं सारा कट के तैयार कर लिया। देखो इदां दे छोटे पीस कट लए दे, तुसीं अपने हिसाब नाल वड्डे छोटे जिहे जे भी कट सकदे हो। थोड़े जे इनू बाद दे विच आपां ने कट्टण तों बाद हल्की जी धुप्प दिखा ली सी, ता कि थोड़ी जी इहदी जिहड़ी भी नमी है उपरली वह सुक जाए। तो हुण आपां इस तों बाद इहदे जद तक अपना दूजा मसाला ठंडा हुंदा इहदे विच सुके मसाले पा दिंदे आ। नमक पावांगे, 2 चमचे चिट्टे नमक दे पाऊंगे, तो 1 चमचा काला नमक पावांगे। नमक देख के बाद च भी पाया जा सकदा आ। तो 1 चमचा लाल मिर्च का पाऊंगे, ये तिखी वाली लाल मिर्च है। तो 1 चमचा जिहड़ा आपां देगी मिर्च का पा देंगे, इहदे लई इहदे नाल रंग थोड़ा जिहा सोहणा आऊगा। तो नाले 1.5 चमचा पावांगे, रंग सोहणा आऊगा देगी मिर्च नाल, तो टेस्ट भी वधिया हो जांदा है। 2 छोटे चम्मच हल्दी दे पा देंगे, 1 कप जाने कि 250 ग्राम जितना आपां तेल पा देंगे। बस साडा जिहड़ा अचार आ उह तेल दे विच अच्छी तरह नाल डुब्बे होना चाहिए। ये मैं कच्चा ही तेल पा रही हाँ, जे थोनों इस तरह नहीं पसंद हैगा तो तुसी तेल नूं धुआं उठन तक गर्म करके फिर ठंडा करके पाउणा है। मसाले अपने ठंडे हो गए, हुण आपां इहनूं मिक्सी जार दे विच मोटा मोटा जिहा पीस लाँगे, ज़्यादा बरीक नहीं करांगे। आ देखो इस तरह ना आपां ने ना इहनूं दरड़ा जिहा पीस लिया। तो हुण आपां इहनूं पा देंगे मसाले, इहदे विच ही पा देंगे। ये 1.25 चमचा मैं 1.25 टेबल स्पून कलौंजी का लिया, ये पा देंगे। कलौंजी आपां ने पीसनी नहीं हैगी, सारे अचार नूं काला कर दूगी। तो हुण मैं चम्मच नाल इहनूं चंगी तरह नाल मिक्स करूँगी, सारे मसाले मिक्स कर लाँगे।
ये जिहड़ा ढिओ है ये तुसीं जिहड़ा कच्चा वाला है उही अचार दे विच पाउणा है। हुण मैं जदों 1 किलो ढिओ लियांदे सी ते उहदे विचों 3 क पीस जिहड़े सीगे उह पक्के होए निकले, पीले सी विचों ते उह वी नरम सीगे ते उहनां दा टेस्ट पर बड़ा वधिया सी, खट्टे मिठे जिहे सीगे। उहनां दी तुसीं चटनी वगैरह बणा सकदे हो। उह 3 जिहड़े सीगे उह मैं फिर कढते, उहनां नूं अचार 'च नहीं पाया, नहीं तां अचार अपना जिहड़ा खराब हो जाऊगा। 1 छोटा चमचा हिंग दा पावांगे जी। अचार असी बना लिया, हुण आपां इहनूं 4-5 दिन धुप्प 'च रखदे रहांगे। जे धुप्प आउंदी है तां धुप्प 'च रखांगे, जे नहीं आउंदी तां फिर कोई गल नहीं, हिलाउंदे रहो इहनूं विच विच ते 8-10 दिनां 'च बण के तैयार होऊगा। इह हले टाइम लगेगा, इहनूं अंब दे अचार दी तरह ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इदां दा पाया होया अचार बहुत ही स्वाद लगता है। जे तुसीं थोड़ा बहुत खट्टा मिठा करना चाहुंदे हो तां तुसीं इहदे विच मिठा मिला सकदे हो, थोड़ा बहुत चीनी जां शक्कर, ते मैं इहनूं कल्ला खट्टा ही रखिया। हुण असीं इहनूं 1 कंच दे जार दे विच भर के रख लांगे ते चंगी तरह उहदा कपड़े नाल मूंह बन्न के फिर उहनूं धुप्प दे विच 4-5 दिन रखांगे ते उस तों बाद इह 8-10 दिनां विच खाण लई तैयार हो जाऊगा। ते इहनूं हिलाउंदे रहिणा 1 तां, ते दूसरा इहदे विच कोई भी आपां ने गिला हत्थ नहीं लाउणा, ते आटे वाला हाथ जिस तरह आपां रोटी पकाउंदे वेले कई वारी अचार कढ लैंदे आ उदां दा आटे वाला हाथ नहीं लाउणा, फिर साडा अचार है जिहड़ा उह बहुत लंबे समय तक खराब नहीं हुंदा, बस थोड़ी प्रिकॉशन की लोड़ हुंदी है। अचार नूं इस तरह धुप्प दे विच रख के 4-5 दिन धुप्प लवाओ इहनूं ते उपरों इस तरह किसी जाली नाल ढक दो। आ लोहे दी जाली है मेरे कोल, स्टील दी जाली है, इहदे नाल ढक के धुप्प दे विच 4-5 दिन रखांगे। सो फ्रेंड्स बहुत ही वधिया इस तरह अचार बन के तैयार होंदे, तुसीं भी बना के देखियो। जे इह वीडियो तुहानूं पसंद आई होवे तां मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करना, वीडियो नूं शेयर करियो, लाइक करियो। थैंक यू।